नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आज तक लाइव टीवी चैनल। मैं हूं शिवांगी। रुक करते हैं आज की ताजा खबरों का। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेशोत्तम पटेल सन 2022 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने का किया दावा। झांसी पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेशोत्तम पटेल ने सन 2022 में विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी तैयारियों में जुटी हुई है। बताते चले कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल झांसी पहुंचे, जहां उन्होंने एक स्थानीय होटल में पत्रकार वार्ता की। पत्रकार वार्ता के दौरान उनके निशाने पर भाजपा रही। उन्होंने कहा कि भाजपा ने पुलिस और डीएम को आगे रखकर गुंडई के बल पर जिला पंचायत चुनाव को जीता है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के इतिहास में इतना तानाशाही और गुंडागर्दी से चुनाव भी नहीं हुआ है, जो अभी क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने गुंडागर्दी करके और पुलिस व डीएम को आगे करके पूरे प्रदेश के अंदर चुनाव जीता है। जब जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत सदस्य के चुनाव में भाजपा पूरी तरह से पराजित हो गई, हमारे लोगों पर प्रताड़ना की गई, मुकदमे लगाए गए, धमकी दी गई, पुलिस ने छापे डाले, पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के जितने भी सदस्य या कार्यकर्ता हैं सभी के साथ पुलिस को आगे करके गुंडागर्दी की है। यह चुनाव नहीं है, यह लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। शुरुआत में उन्हें पता चला कि जिलाध्यक्षों के कारण प्रत्याशी जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रत्याशी नहीं बन बताए तो उन्हें हटा दिया गया। लेकिन जब उनकी समझ में आया कि जिलाध्यक्षों का कोई दोष नहीं है तो फिर से उन्हें बहाल कर दिया गया। संवाददाता प्रदीप की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था चौपट, उत्तर प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट। किसान अपने फसलों का मूल्य नहीं पाता और जब किसान